और सर क्या इस थ्रेशर पे किसान भाई को सब्सिडी वगैरह मिलेगी? यहाँ सर इस पे बिल्कुल सब्सिडी है, अभी छत्तीसगढ़ में अभी 97,500 की सब्सिडी बन रही है। दोस्तों मैं पहुंचा हूं सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ में, और आज हम आपको पेंडी थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ सर हैं, नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू, सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों एक पैडी थ्रेसर के बारे में। पैडी थ्रेसर 6 पेन है सर, पैरा लेकर 6 पेन है, 1 2 3 4 5 6 पेन है। ठीक है सर। और यहाँ से दोस्तों माल डालते हैं, यहाँ पे चढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से माल डालते हैं। सर इस प्लेटफॉर्म में कितने आदमी चढ़ सकते हैं? प्लेटफॉर्म में सर 2-3 आदमी चढ़ सकते हैं, एक इधर एक उधर करके 2 आदमी चढ़ सकते हैं। और यहाँ से माल डालते हैं सर, माल डालने के बाद माल थ्रेसिंग होता है और यहाँ से माल निकलता है। यहाँ माल निकलने का है, फ्रेश माल रहेगा और आप इसको बोरा भर के मंडी ले जा सकते हैं। और इसमें ये क्या सिस्टम दिया गया सर? ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें सिस्टम जो लगा हुआ है सर ये एडजस्टिंग का है। अगर आपको कचरा आ रहा है माल में तो ये फिल्टर लगा हुआ है, चूड़ी से एडजस्ट करते हैं, इसको पंखे लगा हुआ है, इसको नीचे करते हैं, ये फिर कचरा को ऊपर उठा लेते हैं सर, इससे आगे जो माल सफाई आ जाता है। यही 4 एडजस्टिंग है सर, इसको नट बोल्ट से एडजस्ट करते हैं। और इसका ड्रम साइज है सर 72 इंच का ड्रम साइज है, और इसका पैरा साबुत निकालता है, कम से कम 1 से 1.5 इकर का पैरा हटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इधर आ तो बताता हूँ दोस्तों, यहाँ से पैरा निकलेगा और ये ऑटोमेटिक ढेरी बना देगा सर, 1 से 1.5 इकर का पैरा को आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हटाने की। जी सर, पैरा कितनी दूर तक फेंकता है? पैरा ये कम से कम 35 से 40 फुट दूर फेंकेगा और ऑटोमेटिक ढेरी बना लेगा ऊपर से। ठीक है सर। इसकी ड्रम साइज है सर 72 इंची का ड्रम साइज है, और इसमें जो सीट लगा हुआ है टाटा का सीट लगाते हैं, बेरिंग जो लगाते हैं सर इसमें ARB NBC का बेरिंग लगाते हैं, जो भी बेरिंग लगा हुआ है अपने ARB NBC का बेरिंग लगाते हैं, सेंटर में भी बेरिंग दिए हुए हैं, इसकी सेंटर में UCP बेरिंग लगाते हैं ARB। सर इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है जो सेंटर में बेरिंग दिए? सेंटर में बेरिंग दिए हैं क्योंकि लंबा शाफ्ट है, थ्रेसर करते समय इसको बिल्कुल लोड नहीं रहता है शाफ्ट में और स्पीड से घूमता है। और ये इधर से भूसा निकलता है, सब अलग अलग दिए हुए हैं। और सर ये इनका कितने थ्रेशर में कितने फैन और कितने व्हील मिलते हैं वैसे किसान भाई? सर थ्रेशर में डबल व्हील भी है और सिंगल व्हील, दोनों मॉडल बनाते हैं सर, लेकिन डबल व्हील का फायदा यही है कि ट्रैक्टर को लोड नहीं लेता है, एक बार RPM बनाने के बाद वो आपको ट्रैक्टर का लोड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ट्रैक्टर और थ्रेशर दोनों का लोड ख़त्म हो जाता है इसमें। और सर इसमें कितने जाल किसान भाई को साथ में मिलते हैं और कितने जाल? इसमें सर पैडी है, इसमें जाल एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। ठीक है सर, ओनली पैडी है ये। ठीक है सर। और सर इसके इसमें टायर किसान भाई को कौन से मिलने वाले हैं? टायर सर 7/19 का देते हैं। ठीक है सर। और सर इसमें टूल किट में किसान भाई को क्या क्या मिलता है साथ में? टूल किट नहीं रहता सर, टूल बॉक्स है, टूल किट में आपको 4 पाना रहते हैं। ठीक है सर। इसमें 4 पाना से आपका थ्रेशर का पूरा एक एक पुर्जा खुल जाएगा। और सर अगर किसान भाई ने आपका ये थ्रेशर लेना हो तो कैसे ले सकता है? सर एक किसान भाई का थ्रेशर लेना है तो इसमें वीडियो के नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और सुरजीत एग्रीकल्चर रायपुर छत्तीसगढ़ में है, आप आके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते ले सकते हैं। और सर क्या इस थ्रेशर पे किसान भाई को सब्सिडी वगैरह मिलेगी? यहाँ सर इसमें बिल्कुल सब्सिडी है, अभी छत्तीसगढ़ में अभी 97,500 की सब्सिडी बन रही है। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी और बड़ी जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी सुरजीत इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया गया पेंडी थ्रेशर लेना चाहते हैं तो सुरजीत इंडस्ट्री के जो नंबर हैं वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर संपर्क करके इस पेंडी थ्रेशर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।